हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया, डायमेंशनल एनालिसिस की पहली एप्लीकेशन थी कि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन निकालने में हेल्प करता है। जैसे किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो मास पे डिपेंडेंट है, मान लो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ये गिवन है। तो मेरे को फॉर्मूला बनाना है काइनेटिक एनर्जी का, अगर मैं इन्हें कंबाइन करूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, मास का क्या होता है एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू एम रेज टू पावर ए बी एंड माइनस बी। एम की पावर एम के साथ तो ए इज इक्वल टू वन, एल की पावर एल के साथ तो बी इज इक्वल टू टू। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू को अगर पुट करूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी सम कांस्टेंट इनटू एम की वैल्यू वन वी की पावर टू, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है, ये कांस्टेंट नहीं बताता, पर ये तो बता सकता है कि फॉर्मूला एम वी स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तो ये ऐसी कुछ एप्लीकेशन मैंने लास्ट टाइम भी करवाई थी जिसमें एफ का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर की तरफ था, ऐसे ही था। तो अब हम एक काम करते हैं, आपको एक शीट मिली है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 मिली है अभी, तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 एक बार ओपन करें। सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखें, क्या क्वेश्चन है ये रहा, चेक करें क्या क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, अ लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। गारंटी है समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, आज तक भी नहीं आया। ये साइंटिस्ट पता नहीं कौन सा नासा का साइंटिस्ट है, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई फ्लूइड स्टार है, पानी से बना हुआ स्टार है और जो ऑसिलेट कर रहा है, हिल रहा है, जिसका टाइम पीरियड टी है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं वो क्या कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएगा, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को काम की चीज वहां से पता लग रही है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ऑब्टेन एक्सप्रेशन किसका, फॉर टाइम पीरियड टी इन टर्म्स ऑफ रेडियस रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रेज टू पावर सी। बस मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि फॉर्मूला किसका बनाना है। तो अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं तो टी इज सम कांस्टेंट, आर की पावर ए, डेंसिटी बी, जी सी। तो अगर मैं इसे फॉर्मूला पुट करूं, टाइम पीरियड टी, आर का मतलब लेंथ, डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला चेक करो, एम रेज टू पावर कितना था माइनस वन, एल की पावर क्या थी थ्री और टी की पावर क्या थी माइनस टू, यही है क्या रेस टू पावर सी, नहीं मेरे को याद है, आप चेक कर लो, ऐसा ही है। कहां से बना था ये फॉर्मूला कैपिटल जी का, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, चेक कर लो, यही था क्या, चेक कर लो एक बार, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का यही फॉर्मूला है। पक्का यही है, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसमें इक्वेशन बना लें, तो एम की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं जीरो, एल की पावर है ही नहीं, टी की वैल्यू वन, यहां पे एम की पावर क्या है बी, यहां पे एम की पावर क्या है माइनस सी, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके एम की पावर बी, एम की पावर माइनस सी, तो क्या बनेगा बी माइनस सी। एल की पावर, यहां से एल की पावर क्या है ए, एल की पावर क्या है माइनस थ्री बी, एल की पावर क्या है प्लस थ्री सी और टी की पावर माइनस टू सी। क्या स्टेप क्लियर है, एम की पावर एम के साथ कंपेयर तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, एल की पावर एल से कंपेयर तो जीरो, तो क्या बनेगा ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, और लास्ट टी की पावर टी के साथ तो आपके पास ये आंसर आएगा, तो सी तो एक मिनट में आ ही गया माइनस हाफ, सी आ गया
तो इसमें और इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो बी भी आ जाएगा, बी आ गया, सी आ गया, तो क्या आ गया, ए भी आ जाएगा। वैल्यू सॉल्व करो ए बी सी और यहां पे पुट करो फाइनली, और चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए बी सी सॉल्व करो प्लीज और चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एबीसी चेक करें, सी तो निकल गया, बी भी आ गया, ए भी आ जाएगा, यहां पुट कर दो, हो गया, सॉल्व करो एबीसी। फिर से देखो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इसमें यह तो टी, ये स्टेटमेंट क्लियर थी, ये क्लियर है, टी की जगह एम जीरो एल जीरो, टी वन आर डेंसिटी जी, ओपन कर लें पावर्स के साथ, एल की पावर ऐड, एन की पावर ऐड, टी की पावर ऐड, तो ये टर्म आ गई, कंपेयर करके ये तीन इक्वेशंस आ गई। तो सबकी ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं, ऐसे ही है, कंपेयर करके सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ, सी को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा कितना, माइनस हाफ, फिर बी और सी को यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, जीरो। क्लियर है यहां तक? इस ए बी सी की वैल्यू को वापस यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, देखो ना, जीरो माइनस हाफ और माइनस हाफ, यहां तक करके आने, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो एंड में पुट करना है, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, माइनस हाफ नीचे गया, रूट रूट बनेगा, तो अंडर रूट ऑफ रो इंटू जी का अंडर रूट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ना, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो मैथ्स में इज वन, तो वन बन जाएगा, फायदा नहीं ना, जीरो पावर देके फायदा क्या है, वो तो वन ही बन गया। ठीक है यहां तक? तो कैसे करना है समझ में आ रहा है? ये जो सॉल्यूशन शीट्स हैं, जितनी भी शीट्स प्लस वन प्लस टू में दो साल आएंगी, चाहे वो 500 चाहे 700 चाहे 1000, पता नहीं कितनी है, मुझे खुद नहीं पता कितनी है, सारी सॉल्व करके मैं गूगल ड्राइव पर डालूंगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ फर्स्ट प्राइमरी आईडी दिया हुआ है उस पर शेयर होंगी, तो ईमेल आएगी, उस ईमेल पे पूरा साल आप एक्सेस कर सकते हो, उस पर फोल्डर बना होगा सॉल्यूशन टू सब्जेक्टिव शीट्स, तो ये क्योंकि कैलकुलस की तो नहीं हो सकती थी, पर यूनिट से लेके एंड तक प्लस वन की सारी शीट्स के सॉल्यूशन वहीं मिलेंगे। आप अगर नोट नहीं कर पा रहे, घर पर रेफर कर सकते हो, और इन फ्यूचर भी रेफर कर सकते हो उन्हें, ठीक है, तो ये शीट्स उसमें जाएंगी। ठीक है यहां तक? तो क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कैसे करना है? सही है। नेक्स्ट, देखो कैलकुलेशन नोट नहीं कर सकते, ये कभी मत करना, तीन इक्वेशन तक करना, अगर करना है तीन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर कर भी दूंगा तो अगले क्वेश्चन की क्या गारंटी, आप ही को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई नहीं हेल्प कर पाएगा आपकी, तो कैसे भी आप, आज मैं आपको 20-25 क्वेश्चन दूंगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एबीसी की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर टू को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन है, गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, मुझे नहीं पता कौन सी गैस और कौन सा एक्सप्लोजन है, ऑसिलेट विद टाइम पीरियड टी, हाँ ये पता लग रहा है, टी परपोर्शनल टू पी प्रेशर, डी और ई रेज टू पावर ए बी एंड सी, तो टी इज सम कॉन्स्टेंट इन टू पी डी एंड ई रेज टू पावर ए बी एंड सी, तो यहां पर टी फॉर टाइम है, पी फॉर प्रेशर है, कौन सा स्टैटिक, ये क्या होता है, स्टैटिक डायनेमिक प्रेशर, प्रेशर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का नाम जो मर्जी रख दो, प्रेशर प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, तो एक ही प्रेशर होता है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, डी फॉर डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, ई फॉर एनर्जी, कोई भी पुट कर दो, एम एल टू टी माइनस टू, तो बनाओ इक्वेशन, पुट करो इसमें डायमेंशन फॉर्मूलास, या टेबल से देख के करो, बट एटलीस्ट खुद पुट करो ताकि आपको याद हो जाए, टेबल से देख के भी कम से कम याद हो जाती है वैल्यूज, पी प्रेशर है, प्रेशर का किया था हमने, पुट कर दो, डी लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, डी इज दी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, एम एल माइनस थ्री, डेंसिटी का सिंबल, देखो सिंबल पे कॉपीराइट नहीं ना, मरती है उसकी डी, तो डी लिखना पड़ेगा, पर बात तो डेंसिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो इसमें चेक करो और वैल्यूज पुट करो, तो ये देखो T का क्या पुट किया आपने, T प्रेशर चेक करो, क्या पुट किया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, पुट किया यही है, डेंसिटी का क्या पुट किया, एम एल माइनस थ्री, यही है ना, एनर्जी का क्या पुट किया, एम एल टू टी माइनस टू, यही है, फिर इसकी पावर ए ए ए, इसकी पावर बी बी बी, इसकी पावर सी सी सी, फिर एम वाली टर्म्स की पावर एड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसी एल वाली ऐसी टी वाली, क्या ये स्टेप क्लियर है, और जिन्होंने ये सॉल्व किया तो उन्होंने कंपेयर किया, ये तीन इक्वेशन बन रही है, चेक करो, है ना, एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, और अगर यहां सिर्फ टी है तो एम और एल की पावर क्या रहेगी, जीरो एंड जीरो, जीरो जीरो, तो ये टर्म आएगी, ठीक, सही है, चेक करो, समझ में आ रहे हैं यहाँ, तो ये तीन इक्वेशन आ गई, इन्हें प्लीज सॉल्व करो और एबीसी चेक करो कैसे आएगा, सॉल्व करो इन्हें साइमल्टेनियसली और एबीसी निकालो, ये तीन इक्वेशन तक सबको समझ में आ गया, पहले ये चेक करो, तीन इक्वेशन समझ में आ गई, तीन इक्वेशन में डाउट, यहां तक क्लियर हो गया, इसको सॉल्व करने है, देखो मैंने लंबा तरीका कर दिया, मत देखो इसे, तो मेरे को ऐसा करना चाहिए था, इसे इसे मत देखो, मैंने तो क्या किया, यहां से सी निकाल लिया, इस सी को यहां यहां पुट किया, लंबा हो गया, अब एक काम करो, आखिरी इक्वेशन देख रहे हो, इस लास्ट इक्वेशन में से आप माइनस टू कॉमन निकाल लो, क्या बचा, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ, ये स्टेप क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस सी की जगह पुट कर दो, कितना माइनस हाफ, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की, तो बी तो एक मिनट में आ गया, कितना प्लस हाफ, ए प्लस सी अगर माइनस हाफ है
तो बी ऑटोमेटिकली प्लस हाफ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अगले स्टेप में आप इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट करो तो आपके पास ए और सी में इक्वेशन आएगी, ठीक। फिर यहां पुट, फिर ए और सी, ए और सी, इन्हें सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू आएगी। शुरू करो सॉल्व करना, बी आ गया, किसी भी इक्वेशन में बी पुट कर दो, इन तीनों में से बी की वैल्यू आ गई ना, तो यहां बी को रिप्लेस कर दो इनमें, तो आपकी जो बची हुई इक्वेशन है ए और सी में बच गई। फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू भी निकाल लो, ये कह रहा हूं, ठीक है। फिर सॉल्व करके निकाल लो, ट्राई करो। बी तो आ गया, बी आ गया, ए प्लस सी माइनस हाफ है, ए प्लस सी अगर माइनस हाफ है तो बी हाफ नहीं होगा, हाफ हो गया। फिर यहां पुट करो इन दो इक्वेशन में बी की वैल्यू, फिर ए और सी को सॉल्व करो, चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक कितना आ रहा है? ए और सी आ गए, ए और सी में बी हाफ आ रहा है, चेक करो, और ए की वैल्यू माइनस फाइव बाई सिक्स आ रही है, चेक करो। इस मेथड को मत देखना, ये तो फिर लंबा मेथड हो गया ना, अपना सॉल्व करो, मेरी कैलकुलेशन नहीं देखनी आपने, आपने इन तीन इक्वेशन को अपने आप सॉल्व करना है। तो आपके पास बी तो निकल ही गया, फिर चेक करो बी और ए कितने लोगों का आ गया, बी और ए आ गया, हाफ, और ए की वैल्यू माइनस फाइव बाई सिक्स, सी सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है ए, हाँ वन बाई थ्री आ रहा है, वन बाई थ्री बॉक्स में लिखा हुआ है, सही है। तो जो भी ए बी सी आएगा उसको यहाँ पे पुट करना है, ये मत छोड़ाना पेपर में कि ए बी सी आ गया चलो छुट्टी, भाई साइंटिस्ट हो, फॉर्मूला कौन बनाएगा, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। पी की पावर माइनस फाइव बाई सिक्स, डी की पावर हाफ, और ई की पावर वन बाई थ्री, ऐसे छोड़ना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, क्लियर है? अगर कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही अभी, कोई बात नहीं, होमवर्क दूंगा, घर में जाकर ट्राई करना है एबीसी, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है, तो ऐसी जो क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कह रहे हैं एक कॉम्पोजिट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि कई फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है, जिसका फॉर्मूला आए एफ वी का स्क्वायर डब्ल्यू एल क्यूब है, जिसमें आए का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ का मतलब फोर्स, वी का मतलब वेलोसिटी, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन, और एल का मतलब लेंथ, ठीक है। वो कह रहा है फॉर्मूला नहीं बनाना, ये फॉर्मूला मेरे से ले लो। वो कह रहा है ये बताओ इस फॉर्मूले को देखते हुए कि क्यू की क्वांटिटी का नाम क्या है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो एक काम करो, राइट हैंड साइड में आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, वर्क डन का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, लेंथ का क्या होता है एल क्यू। इस पूरे को सॉल्व करें और देखिए क्या आंसर आ रहा है, बताओ जरा, सिंप्लीफाई करें, इसको लिख लेना एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, होल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू भी हो जाएगी। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके चेक करें क्या आंसर आ रहा है। जैसे एम से एम कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी क्या, टी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, तो यहां से न्यूमिनेटर में क्या बचा, एम बचा एल बचा, यहां से होल स्क्वायर से एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, डिवाइडेड बाय एल क्यूब हो गया,
एल क्यूब से ये भी गया, तो क्या बचा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू बच गया। एम टी माइनस टू किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन का, याद करो सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू, तो आंसर सरफेस टेंशन। ये काम बड़ा मुश्किल है, डायमेंशन वालों देख के बताना क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी देख के तो बता सकते हैं, फॉर्मूला देख के बताना बड़ा मुश्किल है। वो तो शुक्र है कि हर बार मैं एक ही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, एम टी माइनस टू क्या है, आप बोलते सरफेस टेंशन, क्योंकि यही फेमस है, यही आती है, एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन। नहीं बता सकते, हाँ बोल सकते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, जो मर्जी बोलते हैं, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस एनर्जी का भी सेम है। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, देखो जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, थोड़ा सा एक स्टेप ट्रिकी है, एक नई बात बताई जा रही है इसमें, क्या, रेनॉल्ड्स नंबर आर डिटरमाइंस वेदर और नॉट फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप इज स्ट्रीमलाइंड। हाँ आपको नहीं पता लग रहा है क्या बोला है, क्या एक्सपेरिमेंट, आपको क्या पता क्या एक्सपेरिमेंट है, पर इस बार मुझे पता है क्योंकि मैं प्लस वन के सिलेबस में से है। तो एक्चुअल में लिक्विड दो किस्म से फ्लो करता है पाइप में, एक स्मूथ फ्लो बड़े प्यार से फ्लो करता है, और एक जिगजैग मोशन में, अगर पीछे से पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है तो जिगजैग मूव करता है, झाग सी निकलती है, अगर स्मूथ है तो बड़े प्यार से गिरता है, स्मूथ नहीं बोलते स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं, और जिगजैग नहीं बोलते टर्बुलेंट बोलते हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ऐसे दो नाम है, हम करेंगे लिक्विड्स में। एक नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो नंबर अगर मान लो 2000 से नीचे है तो फ्लो स्मूथ होता है, 2000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट होता है, तो ये नंबर बताता है कि फ्लो कैसा है। इसमें हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि हमें क्या लेना, क्या लिक्विड का क्या फ्लो है, हम इंटरेस्टेड है कि रेनॉल्ड्स नंबर एक कांस्टेंट है एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, एंड कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। इन तीन चीजों पर यह डिपेंडेंट है। लेकिन अजीब सी बात है, एक फिर से फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर से बोल रहे हैं, गिवन रेनॉल्ड्स नंबर आर वेरीज डायरेक्टली एज अ डायमीटर डी ऑफ अ पाइप, ये क्या बात बनी, एक ही सांस में क्यों नहीं बोल देता, रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी डेंसिटी ईटा एंड डी, तो मैं ऐसा कर सकता था डायमीटर रेज टू पावर डी, एक ही लाइन में बोलता, पर एक प्रॉब्लम है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये चार क्वांटिटीज की पावर सॉल्व नहीं कर सकती, इसकी डिसएडवांटेज है। आपने नोट किया होगा जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें हमेशा एक क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज पे ही डिपेंडेंट होती हैं, उसे कभी बोला चार क्वांटिटीज पांच क्वांटिटीज छह बोलता ही नहीं, वो तीन ही बोलता है, ये इसकी लिमिटेशन है, डायमेंशन एनालिसिस तीन से ऊपर कैलकुलेट कर नहीं पाती, तो डी पावर तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने अलग से बोला कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसकी पावर क्या होगी वन, तो इसकी पावर वो दे रहा है, इसमें डी एज्यूम करवाने को नहीं कह रहा, अगर ऐसा होता तो वो एक ही लाइन में बोल देता वी रो ईटा एंड डी, ऐसा नहीं बोल रहा ना, तो तीन को तो ए बी सी ले लिया, फिर उसने एक लाइन बोली कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर रेज टू पावर वन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था वो अलग से बोल देता
कि रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन डायमीटर स्क्वायर, तो वो पावर देगा। चौथी क्वांटिटी की पावर एज्यूम नहीं करनी होती, चौथी क्वांटिटी आपको दी जाती है। तो इसने डी की पावर वन बोल दी। अब क्वेश्चन स्टार्ट है। हाँ, रो पे कॉपीराइट थोड़ा है, अपना नाम रो रख लो, मैं बोला तो था। डेंसिटी का नाम रो, वेलोसिटी का नाम रो, मर्जी है लिख लो, रेजिस्टिविटी भी रो। भाई सिंबल है, कोई भी यूज करे, किसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ अपना नाम भी रख लो रो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिंबल है, जो मर्जी नाम रखो, नाम तो नाम है तो वो डेंसिटी ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो डेंसिटी का ही पुट करूंगा, सिंबल चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इसमें ये चार क्वांटिटीज को कंसिडर करना है आपने, कुछ ऐसे। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इट्स अ कांस्टेंट, तो जिसका कुछ नहीं उसका वन। तो रेनॉल्ड्स नंबर वेरीज एज वी ए डेंसिटी बी ईटा सी डी वन, कंबाइन किया। आर का मतलब नंबर, नंबर का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन। डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री। ईटा का मतलब क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या फॉर्मूला था, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। डायमीटर लेंथ होती है एल। कंबाइन करो ए बी सी, ये देखो एल की एम की पावर क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी। यहाँ पे एल की पावर क्या है, ए। एल की पावर क्या है, माइनस थ्री बी। एल की पावर क्या है, माइनस सी। एल की पावर क्या है, वन। ऐड होगी सारी पावर ऐड होगी, ए माइनस थ्री बी माइनस सी और वन। ऐसी टी की पावर क्या है, माइनस ए। टी की पावर क्या है, माइनस सी। ये ना, फिर एल एल के साथ, एम एम के साथ और टी टी के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करके आपके पास ये इक्वेशन तीन आएंगी, चेक करो। नंबर एक नंबर है, वन लेना है, कुछ है ही नहीं। चाहे 37th फॉर्मूला नोट कर लो, रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, मैंने बोल दिया, नोट कर लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है कैसी बननी है, तीन इक्वेशंस। इन तीनों को सॉल्व करो, ए बी सी निकालो, और ए बी सी निकाल के यहाँ पुट करना है तो आंसर आएगा। इसे सॉल्व करो, इसका आंसर या करेक्शन भी करो, ए वन आ रहा है, बी वन आ रहा है और सी माइनस वन है, इसकी करेक्शन करो, ये आंसर आएगा, ये आंसर है इसका। ठीक, चेक करो, वेरीफाई करो, यही आंसर है, सॉल्व करके वेरीफाई कर लो।
यहाँ तक तो आंसर वेरीफाई करो, यही आ रहा है, एबीसी क्लियर है, सेमेंट क्लियर है, कितनों को आ गया आंसर, ये आना चाहिए यार, औरों का भी आना चाहिए। एबीसी सॉल्व करना है, यहाँ से साफ पता लग रहा है कि सी की वैल्यू माइनस बी है, या बी माइनस सी है, यहाँ पुट कर दो, बी इलिमिनेट हो जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ए और सी आ गया। कोई नहीं, आज होमवर्क मिलेगा, 20-25 क्वेश्चन आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करना है एबीसी, हम तो तभी प्रैक्टिस होगी, क्या होता है 20-25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार शुरू करो प्लीज। देखो आप ना मेरी कैलकुलेशन चेक नहीं कर सकते, वो मेरी अपनी है, तुम सिर्फ यहां तक कर सकते हो, फिर अपना दिमाग आपका अपना अपना कैस लेगा, उसमें तो क्या चेक करोगे आप, क्या पता लंबा मेथड हो, क्या उसमें क्या सॉल्व करना, उसको भी नहीं देखो, इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन को घर जाके सॉल्व कर लो चाहे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, एज्यूमिंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, चाहे क्रिटिकल वेलोसिटी हो, चाहे सेटेलाइट वेलोसिटी हो, चाहे कार की वेलोसिटी हो, चाहे मेरी या आपकी हो, वेलोसिटी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। एक्सप्रेशन निकालो क्रिटिकल का, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बनेगी, सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर ए, रो की पावर बी, ईटा की पावर सी, पुट करो, एबीसी निकालो। तो अपने फॉर्मूला रजिस्टर को चेक करके वेलोसिटी का पुट करो, रेडियस का, डेंसिटी का, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, आप खुद चेक करोगे, खुद पुट करोगे तो आपसे वैल्यूज याद होंगी, जब टेबल देखोगे और पुट करोगे तो दिमाग से होगी, लिखोगे ना, हाथ अपने आप तो ना लिख रहा है, ब्रेन के अंदर से फॉर्मूला जा रहा है तब लिखा जा रहा है, तो देखो और पुट करो। ये तो सिंपल है, एल टी माइनस वन ही होएगा इसका, तो आर का मतलब क्या है लेंथ, डेंसिटी का मतलब क्या है एम एल माइनस थ्री, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, चेक करो यही है ना, हाँ यही होगा, मैंने कई बार पुट कर ली वैल्यूज आज, ठीक है यही वैल्यूज हैं। अब सॉल्व करो और एबीसी के लिए सॉल्व करो, ठीक है। हो गया, तो वैल्यूज पुट की एक बार चेक करो, वैल्यूज पुट करके तीन इक्वेशंस आ रही हैं, चेक करो प्लीज सबकी, ये तीन इक्वेशंस आ रही हैं, अगर ये नहीं आ रही आगे मत सॉल्व करना, पहले इक्वेशन चेक करो, सी की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है सी आ गया तो ऊपर पुट करके बी आ गया माइनस वन, बी आ गया सी आ गया तो ए आ गया, चेक करो ये तीन वैल्यूज हैं ए बी सी जो बॉक्स में है रेड कलर के, इन्हें ये इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन क्लियर है, सॉल्व करके इक्वेशन आएगी, तो ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं, इन्हें सॉल्व करके बॉक्स में एबीसी आ गया, इन एबीसी को वापस फॉर्मूले में पुट करना है
आर की पावर डेंसिटी और ईटा की, तो जो माइनस वन है वो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है आंसर? ठीक, कोई डाउट इसमें? ये तीन वैल्यूज को यहां पुट किया तो क्या आया, आर की पावर ए डेंसिटी बी ईटा सी माइनस माइनस वन डिनोमिनेटर में आर और ओ, आंसर ऐसे, ठीक है यहां तक? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एज्यूमिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन अप्लाइड लोड, देखो फोर्स को, फोर्स के कई नाम है, फोर्स का नाम खुद फोर्स, वेट का नाम भी फोर्स, वेट भी फोर्स होती है, न्यूटन में होती है, लोड भी फोर्स होता है, टेंशन भी फोर्स होती है, विस्कस ड्रैग भी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स होती है, इतने नाम है कि नहीं? सब MLT माइनस टू में है, तो लोड भी फोर्स है। नेक्स्ट, रेज टू पावर ए एंड लेंथ एल रेज टू पावर बी, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या गिवन है, एम का मतलब क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला एम का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला एम का क्या होता है, यहां वैसे एम होता है पर इसने क्या लिखा, मास पर यूनिट लेंथ, तो भाई एम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम बाय एल, यानी कि एम एल माइनस वन, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा फ्लो में, लिखते लिखते ये मत कहना ओ मैं तो भूल ही गया मास का एम पुट कर दिया, गलत, नाम पढ़ना जरूरी है क्वांटिटी का, मास पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस वन, क्लियर है? तो एम रेज टू पावर सी, इन्हें कंबाइन करें, वैल्यूज पुट करें और जरा ABC निकाल लें और फिर प्रूव करें कि फॉर्मूला ये बन रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी को, न्यू बोलते हैं बताया था, फ्रीक्वेंसी है टी की पावर माइनस वन, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टी की पावर माइनस वन है, F लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। तो ये लिख लिया तीन क्वांटिटीज, कांस्टेंट लग गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टी की पावर माइनस वन, फोर्स का MLT माइनस टू, लेंथ का L और M का इंपॉर्टेंट है ML माइनस वन। तो जरा इक्वेशंस बनाएं, आपकी तीन इक्वेशन ये बननी चाहिए, चेक कर लो, अगर ये नहीं बन रही तो गलत, आगे मत करना, एक बार बनाओ, खुद पुट करो, बनाओ M और L और T कंपेयर करो, MLT कंपेयर करके, पावर्स कंपेयर करके, वही क्वेश्चन आने चाहिए और फिर उनको सॉल्व करके ABC निकालो। ABC आया, चेक करो, ABC आ रहा है, तीन इक्वेशन क्लियर है, तीन इक्वेशन सॉल्व करके ABC चेक करो,
ठीक, तो आपके पास एबीसी आएगा, याद रखना जो एबीसी आएगा उसको ना आपको पुट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे, जैसे एबीसी की वैल्यू आ गई ठीक है, तो न्यू इज सम कांस्टेंट इनटू, ठीक है, एफ रेज टू पावर ए, देखो ए की वैल्यू कितनी है हाफ, नेक्स्ट एल, एल रेज टू पावर बी, बी कितना है माइनस हाफ, नेक्स्ट एम रेज टू पावर सी, सी कितना है माइनस हाफ, ठीक है, सी इज माइनस हाफ। तो फ्रीक्वेंसी एक काम करें, को इक्वल टू हटा देते हैं, या कांस्टेंट हटा देते हैं, इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो गया, प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर माइनस वन को ऐसे कर लें 1/L, और अंडर रूट ऑफ एफ का अंडर रूट एफ, और एम नीचे जाके अंडर रूट में आएगा, आंसर हो गया प्रूफ, माइनस हाफ है ना, नीचे अंडर रूट में चेंज चला गया वो, तो एम नीचे के अंडर रूट में गया, एफ ऊपर के अंडर रूट में गया, क्या है पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ठीक है, ये तो मेथड, सीधा मेथड है, एक उल्टा मेथड जो मैंने नहीं बताना, मतलब किसी को पूछे किसने बताया, मैंने नहीं बताया, इनफॉर्मली बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में नहीं, ठीक है, प्रूव करने को आ गया, मेरे को आता नहीं इसको कैसे, और टाइम बचा नहीं, 1 मिनट रह गया, टीचर वाला नंबर कट जाएंगे या जो भी होगा, बोल एबीसी क्या आएगा, दिख रहा है एबीसी, समझ में आया कैसे, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एफ की पावर क्या है, इसको देखो प्रूव करते हुए, हाफ, लेंथ की पावर क्या है माइनस हाफ, एम की पावर क्या है माइनस हाफ, आ गया ए बी सी, दिख तो रहा है ए बी सी क्या है, दिख रहा है, देखो ना इसको सही, एल को ऊपर ले जाओ, एफ की पावर ठीक कर लो, एम की पावर सब ऊपर ले जाओ, बन गया नहीं ए बी सी, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, पर अगर कोई टीचर पूछे भाई ये कहाँ सीख के आया, मेरा नाम नहीं लगाना, मैंने नहीं सिखाया, हाँ ऑब्जेक्टिव में जो मर्जी ट्रिक्स लगाओ, अपने मन में जो मर्जी सोचो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक्चुअल मेथड यही है, देखो इसको रीअरेंज करो, एल ऊपर गया माइनस वन, एफ की पावर क्या है हाफ, एम की पावर क्या है माइनस हाफ, एम नीचे अंडर रूट में यार, ऊपर माइनस हाफ, अंडर रूट ऑफ एम ऊपर जाएगा माइनस हाफ, तो कंपेयर करके देख लो ना, एफ की पावर ए, एल की पावर बी, सी की पावर, हो गया मतलब, ठीक है ये भी एक तरीका हो सकता है, बट इन एनी केस मैंने आपको सीधा तरीका पहले बताया, ये तो इनफॉर्मल है, ठीक है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप क्या करते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है लास्ट टाइम, जो मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला की फर्स्ट एप्लीकेशन सिखाई थी, एग्जाम्पल दे के, एक साइंटिस्ट पत्थर घुमा रहा है, यही है, प्रूव डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जो किस पे डिपेंडेंट है, मास एम पे, वेलोसिटी वी पे, और रेडियस आर पे, लास्ट टाइम करके दिखाया था रेज टू पावर ए बी सी, फिर हमने कंपेयर किया था और आंसर आया था एम वी स्क्वायर बाई आर, चेक करो अपनी कॉपी, चेक कर सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल यही था मेरा, तो इसको होमवर्क लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला डेप्थ एक्स टू विच अ बुलेट पेनिट्रेट इन ह्यूमन बॉडी, हमें बुलेट क्या करना है पेनिट्रेट ह्यूमन, हमें क्या करें एक्सपेरिमेंट करना, तो एक्स डेप्थ, एक्स की जो डेप्थ है सीधा बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन, बोलो क्या, कोफिशेंट ऑफ, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि ईटा किसका सिंबल था, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर ध्यान से ना पढ़े ना तो फ्लो में लिखा जाता है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी,
जबकि कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी सिंबल के शक्ल पे मत जाना, नाम पढ़ना, विस्कोसिटी है या इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद है इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एंड नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ई रेज टू पावर बी, तो आपको एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्स इज सम कांस्टेंट ईटा ए ई बी, तो वैल्यूज पुट करो, एक्स का मतलब एल है, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन में स्ट्रेन का तो होता नहीं, सिर्फ स्ट्रेस का, स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल है, तो कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर एक ही बात है, और ई फॉर एनर्जी तो कोई भी पुट करो, तो एम एल टू टी माइनस टू, तो चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका इसमें, एक्स की जगह एल, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी चेक करो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, चेक कर लो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यही आया था, टेबल चेक करो इलास्टिसिटी का, और ई फॉर एनर्जी, तो ए बी सी में इक्वेशन आएंगी, सी तो है ही नहीं ना इसमें, ए और बी है बिकॉज देर आर ओनली टू क्वान्टिटीज ए एंड बी, एंड इफ देर आर टू क्वान्टिटीज तो इसमें दो ही इक्वेशन बनने वाली हैं ए एंड बी, सिंपल, तो एक कंपेयर करके ए और बी को सॉल्व करके ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड, जो आंसर आएगा ए और बी का जो कि सॉल्व करके आ रहा है इसमें, एक वन बाई थ्री एक माइनस वन बाई थ्री, उसको वापस यहाँ पुट करना है, वो देखो आंसर, मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, सारी गेम इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद हो, अगर आपका एक भी डायमेंशन फॉर्मूला की एक भी पावर गलत हो गई आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक सही। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट है, ये सिर्फ सुन लो, होमवर्क कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वैसे मेरे को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का, एमजीएच, वो कह रहा है वो बॉडी इज रेज टू अ सर्टन हाइट बाई मेकिंग यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, खुद साइंटिस्ट बन जाओ, पत्थर को उठा के देखो, आप कहोगे एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट एच, हाइट कम ज्यादा है तो एनर्जी कम ज्यादा है, मास कम ज़्यादा है तो एनर्जी कम ज़्यादा है, प्लैनेट अगर अर्थ है कोई और प्लैनेट है, जी चेंज है तो एनर्जी भी चेंज है, ए बी सी कंपेयर करो, बिना सॉल्व के पता है आंसर क्या आएगा ए बी सी का, वन वन वन, तभी तो आंसर क्या बनेगा, एम जी एच, जस्ट वेरीफाई करना है तो घर से एक बार ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क है, नेक्स्ट होमवर्क है, नेक्स्ट होमवर्क है, नेक्स्ट होमवर्क है, देखो खुद करेंगे ना तभी तो बात बनेगी, जो नहीं होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, तो ये होमवर्क है, ठीक है, उसके बाद जो शीट नंबर, जो नेक्स्ट शीट है फाइव,
हाँ, जो पिछली क्लास में थी उसके 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, कितने उन्होंने ट्राई किए एक बार चेक करते हैं जो नहीं हो रहा। तो ये शीट थी, शीट नंबर 5, इसको ओपन करते हैं, ये रे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो जिनके पास नहीं है वो जाते हुए ले जाएंगे इसका प्रिंटआउट, और जिनके पास है एक बार चेक करें प्लीज़। सब्जेक्टिव शीट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को डाउट है देख लो, बता देता हूँ कितनों का हो गया। कोई ऐसा है जो चाहता है मैं करूँ? नहीं है, कोई बात नहीं, घर से दोबारा ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, दोबारा डाउट्स हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी टर्मिनल हो, चाहे सेटेलाइट हो, चाहे ऑर्बिटल हो, चाहे एस्केप हो, पता नहीं कौन कौन से नाम रखेगा वो उसके, एंड में तो वेलोसिटी है ना, तो LT-1 है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर किस पे डिपेंड करती है? रेडियस रेज टू पावर ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा रेज टू पावर बी, विस्कस ड्रैग का मतलब फोर्स रेज टू पावर सी। कंबाइन कर लिया, वेलोसिटी LT-1 है, RL है, ईटा ML-1, T-1 है, फोर्स का पता है, ABC सॉल्व करके आपके पास ABC की वैल्यू आएगी, फिर फॉर्मूले में पुट करके -1 -1 F आंसर सही है। तो एक बार ट्राई करना है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे, बट मेथड क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं, कितना हो गया? ठीक है, जो नहीं किया वो नेक्स्ट टाइम करके आएंगे। 4 में डाउट, 4 में देखो, एज्यूमिंग दैट मास m ऑफ अ लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर, पता नहीं क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रेज टू पावर a, डेंसिटी रेज टू पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c। याद रखना छोटे g और बड़े g में फर्क है, बड़े g का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और छोटे g का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कंबाइन कर लिया, मास का मतलब m है, वेलोसिटी का मतलब LT-1 है, d फॉर डेंसिटी ML-3 है, g का मतलब एक्सेलेशन है। सॉल्व करें, ABC की इक्वेशन बनेगी। इसमें क्या प्रूव करना है कि जो मास है वेरीज विद 6th पावर ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रेज टू पावर 6, तो a की वैल्यू क्या नहीं चाहिए? 6। तो सॉल्व करो, a की वैल्यू क्या आ रही है इसमें? 6। कोई डाउट इसमें? यही प्रूव करना है, वैसे प्रूव करना है ना भी आए तो भी क्या लिख के आना है, मेरी वैल्यू आ गई 6, आई रही है। प्रूफ तो कम से कम ठीक तरह करके आओ, छोड़ के मत आना प्रूफ के क्वेश्चन, वह तो आ ही जाएगा। अच्छे समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? ट्राई करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट करना चाहता हूँ डिस्कस में, कितनों का हो गया? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, मान लो इसका सिंबल मैंने रखा V, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। अगर वॉल्यूम अकेला होता तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L³। वॉल्यूम पर सेकेंड है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L³/T, L³/T-1। ये किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बताया था, ग्रेडियंट जिसके पीछे लेंथ, डिनोमिनेटर में लेंथ ग्रेडियंट। तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इसके ऊपर डिपेंडेंट है रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड L³/T-1, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर बाय लेंथ, आर क्या है? लेंथ, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T-1। ABC के लिए कंपेयर करना, ABC निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जो भी ABC आएगा यहां पे पुट कर देना, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? सारी गेम किस पे डिपेंड करती है? डायमेंशनल फॉर्मूला पे, अगर वो गलत हो गया तो गड़बड़ हो गई। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, नहीं सिक्स एंड उसके बाद के होमवर्क है, लेकिन इसके लिए मेरे को आपको एप्लीकेशन नंबर 2 करवानी पड़ेगी। तो ओपन करें अपनी कॉपी।